शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है। तो प्लांट किंगडम सबसे पहले आपको पता है कि डिफाइन किसने किया था? लीनियस ने। लीनियस ने टू टाइप का डिफाइन किया था, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। उसमें लीनियस ने प्लांट्स को क्या कहा था? प्लांटी कहा था तथा एनिमल्स को एनिमिया कहा था। तो जो लीनियस है, हमारे जो साइंटिस्ट है लीनियस, उन्होंने मतलब कि प्लांट किंगडम को क्या किया था? डिफाइन किया था। यानी कि प्लांट किंगडम की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? लीनियस ने। अब जो हमारा प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसको तीन टाइप के क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा उसे हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो हमने मतलब कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हम इन तीनों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम मतलब कि नेचुरल टाइप से पौधों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब है मतलब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करेंगे, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब है जो टू आपकी प्लांट्स स्पीसीज है उनमें मतलब कि कितना डिफरेंस है या फिर कितनी इक्वालिटी पाई जा रही है, उसके आधार पे हमने किसको बांटा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की यदि हम ब्रांचेज की बात करें तो हमने तीन टाइप के टैक्सोनॉमी ब्रांचेज को बांटा था। फर्स्ट जो हमारी ब्रांचेज थे उससे हमने कहा था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सेकंड जो हमारी ब्रांचेस थी तो उसे बोला था साइटो टैक्सोनॉमी, एंड थर्ड जो हमारी ब्रांचेस थी उसे हमने बोला था कीमो टैक्सोनॉमी। फर्स्ट जो हमारी ब्रांचेस है कौन सी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड क्या करते हैं, उनका अंकिक करते हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी साइटो टैक्सोनॉमी है उसमें हमारे प्लांट्स के अंदर सेल है उनकी संरचना किस टाइप की पाई गई है, यानी कि सेल की स्ट्रक्चर किस टाइप की है, उसकी स्टडी करेंगे। थर्ड जो हमारा है क्या? कीमो टैक्सोनॉमी। उसमें हमने क्या किया था बताओ, पढ़ा नहीं है क्या तुमने? कीमो टैक्सोनॉमी में हमने क्रोमोसोम की संख्या, इन सभी के आधार पर क्या किया था? ब्रांचेस को बांटा था, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? एल्गी की। जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको हमने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलेंगे? एल्गी। सेकंड जो हमारा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है। थर्ड जो हमारा पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। फोर्थ जो हमारा पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। और फिफ्थ जो हमारा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन पांचों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी जो आपकी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, और जो वो अपना फूड का सिंथेसिस है वो मतलब कि खुद ही करती है, ऑटोट्रॉपिक होती है एक तरीके से आपकी जो एल्गी होती है, ठीक है। एल्गी को आप फर्स्ट प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका प्लांट होता है वो आप जानते हो इकोसिस्टम में क्या होता है, प्रोड्यूसर का रूप होता है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो आपका फूड का सिंथेसिस कौन करते हैं? खुद ही करते हैं, ऑन ही मतलब कि अपने आप को क्या करते हैं, और ये एनर्जी का सबसे बड़ा लेवल्स होता है। अब हम बात करते हैं एल्गी के जो कंपोनेंट्स उसके बारे में बता दिया था बेसिक, अब उसके पॉइंट्स चल रहे हैं। आपके जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होगा एक बार इसको जान लो, थ्री टाइप्स से होता है। फर्स्ट जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो आपका रिप्रोडक्शन होगा उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपका कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है। सेकेंड जो आपका कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये कितने टाइप का होता है? यानी कि आप सभी को पता है जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो टू गैमेट्स के मिलने से बनता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बना लेती है।
तो मतलब कि दो तो आपके सेम है, कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो चेंज है वो किस में है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका क्या होता है, टू गैमेट्स का फ्यूजन होगा और उसके द्वारा आपका क्या है, न्यू पार्ट बनेगा या फिर न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। तो सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है उसको थ्री टाइप्स में बांटा गया है, आइसोगैमस, अमीसोगैमस एंड ओगैमस। जो आपका आइसोगैमस होता है उसमें जो आपके गैमेट होंगे उनकी साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर आपका आता है एमीसोगैमेट्स, उनमें जो आपकी गैमेट्स की साइज रहेगी वो क्या रहेगी, चेंज, डिफरेंट रहती है, यानी कि चेंज रहती है। और थर्ड जो आपका ओगैमस होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका ओगैमस। ओगैमस आपका क्या होता है, एक तो इसमें मोटाइल होता है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। जो फीमेल गैमेट का साइज होगा वो तो क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज होगा, और जो मेल गैमेट का साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अब हम बात करते हैं, एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेरिडियम। इससे पहले भी शायद एक पेज था। अब मतलब कि हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन जान लिया, उसके रिप्रोडक्शन के टाइप जान लिए। अब मतलब कि एल्गी में कौन कौन सी मेन, मतलब कि एल्गी किस किस रोल प्ले करती है अर्थ के ऊपर या फिर अपने संसार में, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ऑन द अर्थ ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी, यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है, उसका जो 70% भाग है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, एल्गी के द्वारा। यानी कि हाफ परसेंट ऑफ भाग हमारा कौन बनाती है, एल्गी बनाती है, यानी कि प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, एल्गी भी तो प्लांट्स का ही भाग है आपका। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एल्गी बींग फोटोसिंथेसिस इंक्रीज द लेवल ऑफ डीऑक्सीडेटेड एंड इमिडेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एल्गी क्या करती है, आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको तीव्र करके क्या करती है, पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। थर्ड जो आपका है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। आप सभी को पता है एल्गी क्या है, प्लांट्स क्या है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ऊर्जा के क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक क्यों होते हैं प्लांट्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, फूड को, फूड मतलब बनाते हैं अपने आप से एनर्जी के थ्रू, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो जो आपके एल्गी होगी वो क्या रहेगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रहती है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्या करती है, मतलब कि एक तो आपके प्रोटीन की मात्रा है उसको सबसे ज़्यादा बनाती है, ठीक है। प्रोटीन्स का सिंथेसिस सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा होता है। और ये मतलब कि जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए फूड साइकिल का भी निर्माण कौन करती है, हमारी एल्गी करती है। आप सभी को पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द एल्गी हमारी किस में पाई जाती है, वाटर के अंदर पाई जाती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारा ये एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी की बुक में, पॉरीफेरा लेमिनारिया सिर्जेरियम आर द अमोंग 70% ऑफ स्पर्जी मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, यानी कि ये तीनों आपके एल्गी के नाम है। कौन सी एल्गी है, ये मैराइन एल्गी है, यानी कि कौन से समुद्री जल में पाई जाती है तीनों के तीनों, कौन सी, पॉरीफेरा लेमिनारिया और सिर्जेरियम। ये क्या करती है, इनका 70% जो इनकी स्पेसीज होती है वो क्या करती है, फूड का सिंथेसिस करती है, ठीक है, यानी कि और प्लांट्स के लिए या फिर अदर एनिमल्स के लिए क्या बनाएंगी, समुद्री जीवों के लिए क्या बनाती है, फूड बनाती है। एक आपका आता है एल्जिन, एल्जिन आपकी कौन सी है, आपकी एल्गी के थ्री पार्ट्स होते हैं, बता देती हूँ एक बार कॉमन, एक आपकी होती है ग्रीन एल्गी, एक आपकी होती है रेड एल्गी, एक आपकी होती है ब्राउन एल्गी। तो आपकी जो ये एल्जिन है ये क्या है, आपकी ब्राउन एल्गी एंड केराजिन की आपकी क्या है, रेड एल्गी है, विच आर कमर्शली, यानी कि व्यावसायिक रूप में, ठीक है, व्यावसायिक उदारों के रूप में, यानी कि सजावट वगैरह में समुद्री शैवालों को यूज़ किया जाता है। तो उनमें ये दो नाम है, कौन सी, एक तो आपकी भूरी शैवाल में तो कौन यूज़ करी जाती है, एल्जिन, और आपकी जो लाल शैवाल है उसमें कौन यूज़ करी जाती है, केराजिन। उसके बाद में आता है हमारा एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्राकेलिया आर यूज टू आइसक्रीम ग्रो माइक्रोब्स एंड जेलीज। एगार आपका क्या होता है, एक व्यावसायिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि व्यावसायिक उत्पादन होता है, ठीक है, उसमें मतलब कि ये दो कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करता है, किसको, एक तो आपके जेलीडियम को, एक ग्रेसिलेरिया को। इनका यूज किस में किया जाता है, ये व्यावसायिक प्रोडक्ट है हमारे आइसक्रीम बनाने के लिए, ठीक है, सूक्ष्म संवर्धन करने के लिए, सूक्ष्म जीवों का जो हम उत्तक संवर्धन करते हैं, सूक्ष्म संवर्धन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर इन दोनों का यूज़ किया जाता है। और एक आपके जेलीज जो आपकी टॉफी वगैरह बनती है उन सभी में भी इन सवालों का यूज़ होता है। दो टाइप की आपकी कमर्शियल क्या हो गया दी थी, आइसक्रीम में कैसे होता है, इनके जो सब्सटेंसेज हैं वो निकाल लिए जाते हैं, मतलब एगार आपकी एक सवाल है, ठीक है, इसमें से मतलब कि ये जिलेडिमिन और ये है ना, ये दोनों प्रोडक्ट निकाल लिए जाते हैं, फिर इनको मशीनरी के थ्रू इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, संवर्धन करके आइसक्रीम और आपकी जेली बना दी जाती है, ठीक है। एक आपका है कोरेलेरा और स्पोराइटा।
ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन के इनके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इनको मतलब कि जो आपके अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो मतलब कि क्या करते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं किसी रिसर्च के लिए तो उन्हें भी तो फूड चाहिए होता है ना, तो उनके फूड सब्सटेंसेस के लिए काम में आता है ये, ठीक है। वो ज़्यादा यूज़ करते हैं किसको, कोरायला स्पोटाइना, क्योंकि इसमें क्या रहता है, प्रोटीन की मात्रा आपका ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब वो खाना तो ले जा नहीं सकते, तो वो ऐसे सब्सटेंसेस लेके जाएंगे जो उनके मतलब कि एनर्जी को बनाए रखे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इनको मतलब कि फ्लूड के रूप में लेके जाते हैं वो। अब बात करते हैं हम मेन क्लासेस ऑफ एल्गी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इनके पॉइंट्स चल रहे थे एल्गी के बारे में, ठीक है। आपके जो एल्गी होती है उनको तीन टाइप्स में बांटा गया है, कौन कौन से हैं तीन टाइप आपके, क्लोरोफाइट्स, पेटिफिडोफाइट्स एंड रूडोफाइट्स। ये जो आपकी होती है, या आपकी होती है कौन सी एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये आपकी होती है कौन सी, ब्राउन, रेड एल्गी। मैंने बताया कि एल्गी के तीन नेम होते हैं आपके, कौन कौन से, क्लोरोफाइट्स, फायोफाइट्स और रूडोफाइट्स, ये आपके। तो इनके कॉमन नेम आपके हैं, क्लोरोफाइट्स का तो क्या होगा, ग्रीन एल्गी, फायोफाइट्स का क्या होगा आपका, ब्राउन एल्गी, और रूडोफाइट्स का आपका क्या होगा, रेड एल्गी। अब इनको पहले हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। जो आपका क्लोरोफाइट्स है, इसका कॉमन नेम हम इसको क्या जानते हैं, ग्रीन एल्गी के नेम से। इसमें मतलब कि आपके क्लोरोफिल का एक तो ए एजेंट पाया जाता है और एक एक बी एजेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल्स के आपके बहुत सारे एजेंट्स बताए गए हैं, यानी कि पिगमेंट्स बताए गए हैं, उनमें से ये दो पिगमेंट्स के अंदर आपके क्लोरोफाइट्स पाए जाती है। एक तो कौन से में, ए में, इनको गलत मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा पेपर में, एक तो ए और एक बी। और ये मतलब कि किससे आपके फूड का स्टोरेज करती है, स्टार्च के द्वारा, सेल्यूलोज और क्या, पैक्टोज की बनी होती है इनका। यदि हम हैबिटेट की बात करें तो ये मैराइन वाटर में भी पाई जा सकती हैं, ब्लैशिस वाटर में भी पाई जा सकती हैं, और आपके जो समुद्री जल होता है, ओशन वाटर होता है, और सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है किसमें, फ्रेश वाटर में। मोस्टली जो आपकी क्लोरोफाइट्स यानी कि हरे शैवाल है, वो स्वच्छ जल में ज़्यादा पाई जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर। उसके अलावा आपका मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल, ब्लैकिश वाटर यानी कि खारा पानी, मैराइन और ब्लैकिश दोनों में अंतर है। समुद्री जल तो मतलब कि जिसमें मतलब लवण वगैरह हो, ब्लैकिश में लवण के साथ में अनदर सब्सटेंस भी शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली यदि हम इसकी बात करें हैबिटेट की, तो इसमें आएगा फ्रेश वाटर, ठीक है। अधिकतर जो आपकी क्लोरोफाइट्स यानी कि ग्रीन एल्गी है, वो किस में पाई जाएगी आपके, फ्रेश वाटर के अंदर। सेकेंड है आपका क्या, फायोफाइट्स, ये आपकी कौन सी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, यानी कि भूरे शैवाल होते हैं, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से सब्जेसेस, यानी कि क्लोरोफिल का एक तो ए सब पिगमेंट पाया जाता है और एक सी, और इसमें मतलब कि कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, जैंथोफिल, जैंथोफिल आपका पिगमेंट है एक, इसके कारण ही मतलब इस शैवाल का रंग क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। वैसे मोस्टली आपकी जो एल्गी होती है वो कैसी पाई जाती है, ग्रीन कलर में ही पाई जाती है। इस पिगमेंट के कारण आपकी जो एल्गी है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। इसमें मेलिटोन, लैमेरिन, ये दोनों क्या है आपके, मेलिटोन और लैमेरिन, ये दोनों आपकी होती है एल्कोहलिक शुगर, ठीक है। एल्कोहल शर्करा है, ये इनके क्या करती है, फूड का क्या करती है, स्टोरेज करती है। और इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की, तो देखो सब में ही बनी हुई होती है, प्लांट्स है, प्लांट्स की अधिकतर सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज तो सब में ही कॉमन है, वो तो लिखना ही लिखना है। उसके अलावा यदि आपकी ग्रीन एल्गी की बात कर दे तो हमारी कौन सी आ जाएगी, पैक्टोज की, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें किसकी, ब्राउन एल्गी की, तो इसमें क्या आ जाएगी, एल्जीन। अब ये जो आपकी जो सेल वॉल है, अब इसमें दो बता दी मैंने आपको, एक तो क्या बता दी, सेल्यूलोज बता दी, एक आपकी बता दी एल्जीन। तो दो सेल्यूलोज है, तो जो आपकी आउटर लेयर रहती है, वो इनर लेयर रहती है, वो तो किसकी बनी हुई रहती है, सेल्यूलोज की। और जो आपकी ओएल है ना, ये है इसका मतलब आउटर लेयर, शॉर्ट में लिख दिया, तो ये एल्जीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में आपकी सेल वॉल टू टाइप्स की होती है, एक तो आउटर लेयर, एक इनर लेयर। इनर लेयर तो आपकी किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर किसकी बनी हुई होगी, एल्जीन की, ठीक है। ये भी किस में पाए जाते हैं, इसमें फ्रेश वाटर ज़्यादा नहीं आता ब्राउन एल्गी के अंदर, इसमें ज़्यादा कौन सा वाटर आता है हमारा, मैराइन वाटर या तो या ब्रैकिश वाटर।
इसमें आप ओनली फ्रेश वाटर भी लिख सकते हो ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है। थर्ड जो आपका होता है वो होता है आपका रूडोफाइस, ये आपकी कौन सी होती है? रेड एल्गी होती है। इसमें आपके क्लोरोफिल के कौन से सब्सटेंसेस पाए जाएंगे? ए एंड डी। इसमें क्या है? फाइकोसेरेथिन, इसी के कारण इसका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। इसमें फ्लोरोडाइन स्टार्च पाए जाते हैं, यानी कि स्टार्च के रूप में ये अपने क्या करती है? फूड का सिंथेसिस करती है, ठीक है। और इसकी जो लेयर होती है, इन दो की तो पता चल ही गया, सेलुलोज और पेक्टोज, इसकी भी एल्जिन और इसकी सेलुलोज, इसकी क्या किसकी बनी होती है? सेलुलोज की भी बनी हो सकती है, पैक्टिन की भी बनी हो सकती है, एंड सल्फर एस्टर्स, ठीक है। सल्फर एस्टर्स में आपके क्या है? एगार एगन एंड कैराग्रीन, ठीक है। इनकी आपकी क्या बनी होती है? सेलुलोज बनी होती है। ये सेम है कि मैराइन वाटर और ब्लैकिश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। विचार समझ में आ गया? इसको याद कर लेना, एल्गी के तीनों टाइप याद हो जाएंगे। आगे यही है इसमें बड़ा, और कुछ नहीं है। अब हमने बात की थी किसकी? क्लोरोफाइस, यानी कि जिसको हम कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। तो ये आपकी होती क्या है? यूनिसेलुलर होती है, यानी कि क्या होती है? एक कोशिकीय होती है, एक तो एक ही सेल से मिलकर बनी हुई होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है और फिलामेंटस भी होती है। इसका मतलब क्या समझे कि इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो कितने टाइप्स का हो सकता है? तीनों टाइप्स का हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और वेजिटेटिव भी हो सकता है। क्योंकि वेजिटेटिव में आपको पता है कि फिलामेंटन से बनते हैं, कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनेगा, तो मल्टीसेलुलर से हम किसको बता सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें गैमेट्स होते हैं, वो मल्टी तो माने जाते हैं हमारे, टू गैमेट्स। और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एक ही कोशिका से नई जीव का बनना। तो इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो थ्री टाइप्स का हो सकता है, तीनों टाइप्स का हो सकता है, किसमें? हमारे ग्रीन एल्गी के अंदर। इसमें मैंने अभी आपको बताया चार्ट के अंदर कि जो आपके क्लोरोफिल सब्सटेंस होते हैं वो ए और बी दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिसी के कारण इसका कलर क्या रहता है? ग्रीन, ग्रास के जैसे रहता है, हरे घास के टाइप का। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट, और ये जो पिगमेंट है ये इसके कहाँ पर पाए जाएंगे? इस एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। और इसकी जो, अब हम इसके आकार की बात करते हैं, यानी कि इस जो शैवाल है या फिर एल्गी है, इसकी संरचना किस किस टाइप की हो सकती है? तो प्लेट लाइक भी हो सकती है, डिस्कॉइड भी हो सकती है, यानी कि वलाकार, ठीक है, रेटिकुलेट भी हो सकती है, सर्पुलाकार, रिबन शेप्ड भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स के प्यूरोनॉइड्स, प्यूरोनॉइड्स का भी आगे है, प्यूरोनॉइड्स का क्वेश्चन नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, पूछ लेता है, स्ट्रक्चर दे देता है ऐसे सीधी की सीधी, ठीक है। तो प्यूरोनॉइड्स आपके होते क्या है? एक ऐसे कंटेंट है किसके अंदर? ग्रीन एल्गी के अंदर, जिसमें क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर तो क्या पाए जाएंगे? स्टार्च पाए जाएंगे, और इसके बाहर की तरफ क्या पाए जाएंगे? प्रोटीन पाए जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे दिया, और आया भी हुआ है ये नीट में, ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दी चारों अलग अलग, एक ये सही दे दी, बाकी सारी गलत। तो इसमें हमेशा याद रखना, जो प्यूरोनॉइड्स है उसके अंदर में हमेशा क्या पाए जाएंगे? आपके स्टार्च पाए जाते हैं, और जो बाहर की लेयर है, आपकी आउटर लेयर होती है, मैंने बताया कि टू टाइप्स की आपकी सेल वॉल होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। जो आपकी आउटर सेल वॉल होती है वो तो किसकी बनी हुई होती है? एल्जिन की। और जो आपकी इनर होती है वो सेलुलोज की। तो इसमें दो लेयर दे रखी है आपको, जो आपके अंदर वाली लेयर होगी उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है? फूड सब्सटेंस के लिए स्टार्च पाया जाता है, और जो बाहर आपके फूड सब्सटेंस के लिए कौन पाए जाएंगे? प्रोटीन पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर बना लेना, सही से याद करना इसको, ठीक है। तो ये आपके प्यूरोनॉइड्स होते क्या है? ग्रीन एल्गी के अंदर सब्सटेंसेज है, यानी कि फूड स्टोरेज होते हैं एक टाइप के, जिसके अंदर की तरफ तो क्या पाया जाता है? आपके स्टार्च पाया जाता है, और बाहर की तरफ आपके क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। याद कर लेना इसको सही से। सम एल्गी स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स, यानी कि कुछ जो आपके शैवालें हैं वो तेलीय बूंदों के रूप में भी क्या करती हैं, यानी कि तेल की जो आपकी बूंदें होती हैं छोटे छोटी, उसके आकार में भी क्या करती है? आपके फूड को क्या करती है? स्टोरेज करती है। ग्रीन एल्गी हैव रिस्ड वॉल, आउटर तो किसकी होती है? पेक्टोज की, और मतलब कि इनर किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। जो आपने एल्जिन अभी आपने बताया था वो किसका पार्ट था? फैगोफाइसिस का, ठीक है, और इसकी पेक्टोज और इसकी बनी हुई होती है सेलुलोज की। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको सभी को पता है जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो थ्री टाइप्स का बताया एल्गी के अंदर मैंने आपको, कॉमन कौन कौन सा? वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव जो आपका रिप्रोडक्शन है वो तो मतलब कि किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या बना देता है? न्यू स्पोर्ट्स बना देता है, नए स्पोर्ट्स बना देगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जेम्यूल्स, ओके।
दूसरा आपका आता है क्या, सेम साइज, स्मॉल कहाँ से आ गई मान्यता, ठीक है। एमिसोगैमस है, उसमें इसकी साइज डिफरेंट साइज रहती है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें तीनों में। और ओगैमस में आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल, मेल और फीमेल, इसका याद रखना जो आपका फीमेल गैमेट रहेगा वो तो क्या रहेगा, लार्ज रहता है, और जो मेल गैमेट रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है। अधिकतर जो आपकी फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो गैमेट्स में ही होता है, रेड एल्गी में स्पेशली। रेड एल्गी का तो लिखवाया भी है कि रेड एल्गी में ही खाली किसके द्वारा होता है, हमारे ओगैमस के द्वारा होता है, बाकी में इन दो के द्वारा होगा, हेमिसोगैमस और आइसोगैमस के द्वारा, ठीक है। अभी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में गैमेट्स की बात की गई है, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन, तो इसमें है एनिसोगैमस। एनिसोगैमस का मतलब जिनमें हमारी गैमेट्स की साइज क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के साइज डिफरेंट है, एक कोशिकीय होते हैं और मोटाइल रहते हैं। मोटाइल का मतलब गमन करते हैं, जो फ्लेजिला पाया जाता है इनके अंदर। एक हमारा है क्या, वॉल्वैक्स, स्पेलिंग इधर थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। ये आपके क्या रहते हैं, ओगैमस। ओगैमस का मतलब आपके दो गैमेट पाए जाएंगे, मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो मोटाइल आपका गैमेट रहता है वो कौन सा रहता है, फीमेल और मेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट रहेगा वो तो लार्ज होता है साइज में, और जो मेल गैमेट रहेगा वो क्या रहता है, स्मॉल होता है साइज में। और ये आपके क्या रहेंगे, नॉन मोटाइल। इनके अभी बता दूंगी ट्रिक याद करने की, याद हाँ, यूलोथ्रिक्स और स्पायरो, क्योंकि पेपर में मेरे नोट्स से पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा, कि एग्जाम्पल दे देता है। जैसे अभी ये चारों चार पांच एग्जाम्पल है आपके, किसके हैं, ग्रीन एल्गी के, ऐसे तो याद नहीं होते नेम, तो इनकी एक ट्रिक है आपकी क्या, रुक जाए एक मिनट, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, उसमें अलग टाइप। अब इसमें सी का मतलब आपका क्या है, एक तो क्लेमाइडोमोनास, एक क्यारा, ठीक है, एक क्लेमाइडिया भी होता है। तीन एग्जांपल है आपके, दो नेम याद कर सकते हो, तो दो का स्क्वायर लगा दिया, वैसे क्यूब भी लगा सकते हो लेकिन स्क्वायर में ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है इसलिए। यू का मतलब आपका यूलोथ्रिक्स, एक होता है यूरोडिना, इसमें नेम मेंशन नहीं किया आगे क्या हुआ है, ठीक है। दो नेम आपके ग्रीन एल्गी के, एक तो है यूलोथ्रिक्स, तो यू से आपके क्या हो गया, एक तो यूलोथ्रिक्स, एक यूरोडिना, ठीक है। सेकेंड है आपका वी, वी का मतलब होता है आपका वॉल्वैक्स। एस का मतलब होता है आपका स्पायरोगायरा। सी का मतलब आपका होता है क्लेमाइडोमोनास या फिर, अब इसका देखो जो आपका क्यारा होता है वो क्या रहता है, मल्टी सेलुलर एल्गी है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे यूलोथ्रिक्स या फिर स्पायरोगायरा। आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब जिसमें गैमेट्स की साइज क्या होती है हमारी, सेम होती है। ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर शाखाएं नहीं पाई जाती, ये जो सवाल होंगे इनके ऊपर, ठीक है। और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है इनमें। अब इसकी ट्रिक अभी बताया आपको, यू स्क्वायर वी माइनस एस स्क्वायर सी। यू का मतलब यूरोडिना या फिर यूलोथ्रिक्स, वी का मतलब होता है आपका वॉल्वैक्स, एस का मतलब है आपका स्पायरोगायरा, सी का मतलब है क्लोरो एंड क्लीडोपोरा या फिर क्लेमाइडोमोनास भी बोल सकते हैं दोनों। ये सारे आपके क्या है, ग्रीन एल्गी है। इनका नेम याद करने के लिए ट्रिक बनाइए, ये क्लियर। अब लिख लो, निकाल देती हूँ।